Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बिहार में विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे भी आ चुके हैं और आप सभी को पता है कि एनडीए के पक्ष में 125 सीटें गई है तो वहीं महागठबंधन के पक्ष में 110 सीटें गई हैं। 5 सीटें एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के पास गई है तो 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के पास गई है, 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को गई है तो 1 सीट निर्दलीय को गई है। मतलब 243 विधानसभा के जो पूरी सीटें हैं वो कहीं ना कहीं क्लियर हो चुकी है और आपको ये पता चल गया है कि एनडीए की सरकार लगभग बन गई है, बस मुख्यमंत्री पद का नीतीश कुमार को शपथ लेना है। लेकिन जिस तरीके से बिहार की राजनीति जब होती है तो बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरणों को काफी अच्छे तरीके से बिठाया जाता है और उसी तरीके को अपनाकर बिहार विधानसभा चुनाव में जो प्रतिनिधि करते हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनको टिकट दिया जाता है ताकि वो अपने जाति के साथ साथ अन्य जातियों को किस तरीके से अपने पास लपेटे, ये सारी रणनीति के तहत बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है और वहाँ के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको इस प्रकार की चीज़ें यानी कि इस प्रकार की जो टिकट्स है वो दी जाती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिहार में कई सारी जातियाँ हैं तो कई सारी जातियों में कौन से जाति का बिहार चुनाव में दबदबा रहा है और बिहार चुनाव में किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा विधायक बनकर आए हैं, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि बिहार की राजनीति में खास करके यादवों का जो वर्चस्व है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और जो यादव जाति के लोग हैं वो बिहार में तहलका मचाते रहते हैं और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से यादवों की संख्या लगातार बढ़ती नज़र आती है तो उससे हर पार्टियों के लोगों की नज़र होती है कि अपने पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर यादव को उतारा जाए इस मैदान में ताकि वहाँ की जो जीत है उसको सुनिश्चित कर लिया जाए और उस सीट पर आसानी से हम जीत सके। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से दल का यानी कौन से जाति का सबसे ज़्यादा जो वर्चस्व रहा है वो बिहार में रहा है और सबसे कम किसका रहा है और कितने विधायक, कितने जाति के कौन से कितने विधायक जो हैं वो बनकर आए हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूं, 2015 का आंकड़ा बता देता हूं कि उसमें कौन से जाति के लोग कितने लोग जो है चुनकर आए थे। अगर हम यादव की बात करें तो यादव सबसे ज़्यादा वहाँ पर विधायक बनकर आए थे, जिसकी जो संख्या थी वो थी 61, यानी कि 61 संख्या थी जिसके यादव जो है जो विधायक थे वो कहीं ना कहीं बनकर आए थे। वही अगर हम कुर्मी की बात करें तो कुर्मी जो है वो 16 थे, कुर्मी 16 जाति के थे और खुशवाहा की बात करें तो खुशवाहा जो थे वो कहीं ना कहीं 20 एमएलए खुशवाहा के माध्यम से बनकर आए थे। वही अगर हम बात करें तो वैश्य समाज के 13 कैंडिडेट थे जो कि एमएलए बनकर आए थे। वहीं अगर हम बात करें राजपूतों की तो राजपूत को जो है 20 सीटें मिली थी, यानी कि 20 एमएलए जो थे वो राजपूत कैटेगरी से आकर बिहार विधानसभा चुनाव में एमएलए बनकर पहुंचे थे। अगर भूमिहार की बात कर लें तो भूमिहार में 17 एमएलए थे जो कि भूमिहार जाति से आते थे। कायस्थ ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण 10 थे जो कि एमएलए बनकर आए थे। अगर हम कायस्थ की बात करें तो कायस्थ 4 एमएलए थे जो कि कायस्थ जाति से चुनकर आए थे। वहीं अगर हम पिछड़ा जाति की बात करें तो 18 एमएलए कैंडिडेट थे जो कि पिछड़ा जाति से जीतकर आए थे। दलित की बात करें तो दलित कैंडिडेट जो थे 38 यानी कि 38 कैंडिडेट थे जो दलित जाति से जीतकर बिहार विधानसभा चुनाव में पहुंचे थे। एसटी जाति की बात करें तो 2 थे जो कि बिहार विधानसभा चुनाव में एमएलए बनकर पहुंचे थे। वही अगर हम मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम जो थे पिछली बार 24 कैंडिडेट थे जो कि आरजेडी और जेडीयू में काफ़ी ज़्यादा जीत हुई थी तो वो जो है वो जीत कर कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में पहुंचे थे। लेकिन इस बार आंकड़े चेंज हो गए हैं, आंकड़े चेंज होने के बावजूद भी यादवों का जो एमएलए बनने का संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 55 यानी कि यादव जाति के 55 एमएलए बिहार विधानसभा चुनाव में जीत कर आए हैं, पहले की तुलना की बात करें तो 6 एमएलए कहीं ना कहीं कम है। वही अगर हम कुर्मी की बात करें तो कुर्मी की भी संख्या घटी है, इसमें 2020 में 10 लोग आए हैं और 2015 में 16 लोग आए थे। वही अगर हम खुशवाहा जाति की बात करें तो खुशवाहा जाति के भी विधायक की संख्या घटी है, पहले जो 20 थी वो अब घटकर 16 हो गई है। वही अगर हम वैश्य समाज की बात करें तो वैश्य समाज की बड़ी बात होगी कि इस बार वैश्य समाज का जो संख्या है विधायकों का वो बढ़ा है, क्योंकि 2015 में महज 13 था, अब बढ़कर जो है वो 22 हो चुका है। अगर हम राजपूत की बात करें तो राजपूत का भी विधायक की संख्या जो है
है वो घटी है। पहले 20 थे, अब जो है घटकर 18 हो गए हैं। वही अगर हम भूमिहारों की बात करें तो पिछले बार 17 थे और इस बार भी उस रिकॉर्ड को कायम रखे हैं, तो 17 विधायक जो है भूमिहार जाति से चुनकर आए हैं। वही अगर हम बात करें ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण की भी संख्या बढ़ी है। पिछले विधानसभा चुनाव में 10 ब्राह्मण जीत कर आए थे, अब जो है 12 जीत कर आए हैं। वही अगर हम कायस्थ की बात करें तो कायस्थ 4 थे 2015 में, अब जो है 3 हैं। बाकी पिछड़ा जाति की बात करें तो पिछड़ा जाति में विधायकों की संख्या बढ़ी है, पिछले चुनाव में 18 थी तो अब जाकर 21 हो गई है। वही अगर हम दलितों की बात करें तो दलित जो है 38 जीत कराए थे 2015 में, और 2020 में भी महज 15 ही माफ कीजिएगा 38 चुनकर आए थे 2015 में, और इस बार भी 38 ही चुनकर आए हैं। एसटी समाज की बात करें तो एसटी समाज में भी 2 ही लोग जीत कर आए हैं, और सबसे जो ज़्यादा घटा है वो है मुस्लिम कैंडिडेट का, जो कि 2015 में 24 कैंडिडेट थे मुस्लिम, और इस बार जो है महज 14 है आकर सिमट गए हैं। तो ये कुछ जातिगत समीकरण था जो कि उस जाति के कितने बिहार में विधायक पहुंचे हैं। ठीक है, अगर ये जानकारी पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट शेयर करिए, चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर जाइए, पिंटू सिंह यादव साथ करके जरूर जुड़िए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.